जाती गौरी पुत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुत काट कठिन कलेश गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है अपने गुरुदेव रिसाल को सुकोटिन को प्रणाम है। पंकज प्रजापति स्टूडियो की नई पेशकश। ए जी भक्त भजन भाव तुम्हें अरे देवन के देव रक्षा मेरी कीजिए कैलाशपति महादेव मेरी मैया मोई भूलो ज्ञान बताए मेरी मैया मोई भूलो ज्ञान बताए रे लेके आ जा पीड़ा बाजो लेके आ जा पीड़ा बाजो आए के मेरे कंठ विराज मेरी भैया एक भूला अंत सजाएगा साथियों आज आपके सामने वो नवीन भेंट लेके चल रहे हैं जो है शायद आपको सुनने में बहुत प्रिय हो और जो कुछ हमें संतों से मिला संतों की वाणी से मिला वो आपके सामने उपस्थित है देखेंगे। ये कहानी बहुत पुरानी है कथा ये मोर मोरनी की पढ़े लिखे में उतिया रह के छब नहीं बरनी जाई
तो एक धर्मध्वज नाम के राजा हैं, बहुत सुंदर राजा है। इनका एक पुत्र है जिसका नाम धर्मध्वज है। एक बार की बात है कि धर्मध्वज का पुत्र धर्मवीर वन में घूमता हुआ चला। जब वन में घूमता हुआ चला है तो इसने वन के बीच में क्या देखा कि चौकोर चार चौपर वाला बगिया के बीच सरोवर है। साथियों वन में घूमता हुआ ये धर्मवीर चला है तो एक मैया का विशाल भवन बना हुआ है। सामने एक सुंदर सा तालाब बना हुआ है। देखा है इसने मैया के मंदिर के पास में कि एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, बहुत सुंदर लड़की है। सोच रहा है मन में कि सुंदर रूप विशेष, कि सुंदर रूप विशेष सावले केस चंद्र उजियारी, और देखना में बड़ी अमलू करे उमर किधर की दीवार। अब देखत रहे लाल के याद सारी, बात करत पे खुले पति ती बिजली चमक चमक रह जाए। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया नरम गलैया रही छब छाए। हे गोरी गोरी भैया नरम गलैया हरी हरी चूड़िया रही छब छाए। पीरन होनी है बलवान हुए कछु और हुई रहो है। भाइयो जब वन में देखा इस लड़की को इस लड़के ने, तो ये लड़की किसकी पुत्री थी?
वीर भान की पुत्री, इसका नाम लक्ष्मी है। जिस मार्ग से वो लड़की आती थी पूजा करने के लिए और उसी मार्ग से ये लड़का आता था। भक्त एक बात बता दी, रहने वाले कहां के थे? ये रहने वाले थे चित्रकूट के। इनका चित्रकूट में पास है और वहीं रहते हैं। जब उस मैया के दरबार पे आए हैं और मैया की सेवा कर रहे हैं बड़े प्रेम से, तो कभी ने तो कल्पना यहां तक की कि वो लड़का उस लड़की को देखता ही रह गया। उस चंद पति की चंद छटा और चांद को चकित कर जाती, कर जाती थी। मानो मुख की उजली सोगा बिजली का मान घटा, लगाती थी विनती करती थी बार बार और गीत मनोहर गाती। जब उस लड़की को वहां पर देखा है और ये कहने लगा, माँ अंबे मैया, अरे मेरी एक विनती स्वीकार करो। और बोला, माँ मुझे इस लड़की के साथ में एक बार मिला दो माँ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि माँ जिस दिन मैं इस लड़की के साथ में शादी हो जाएगी मेरी, और मैं उसी दिन अपने शीश को काट करके तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा माँ। तो भक्तों, कवि ने तो कल्पना यहां तक की कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फर्जी हुई डाली देखी, प्रेम पैर की दीवार बना देता है, दीवार बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्यारे इंसान को शैतान बना देता है, प्यारे इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भाइयों, लिखा किसी कवि ने कि प्रेम वो बैर की दीवार बना देता है। ये लड़का देखकर के उस लड़की को मोहित हुआ कि नैनन की काशीपुरी जाति कले जो चीरी, उस लड़की को देख करके ये धर्मवीर सोच में पड़ गया, नैनन की काशी बुरी जाति कले जो चीरी, कान पानवा में रही दुरवलो सुंदरी रर रामा,
भाइयों, लड़की को देखकर के सोचने लगा कि इसके साथ में तो मेरा संबंध हो जाए। माँ से आराधना की तो माँ के मंदिर से अब आ जाए कि वत्स, चिंता न कर, अरे तेरे मन में यही है तो तेरी मुराद अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। भक्तो, आज यह धर्मवीर अपने घर के लिए वापस चला आया। घर पे आया तो पिताजी के सामने से होकर निकल गया, लेकिन पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया। जब पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया तब पिताजी ने जाकर के पूछा, बेटा तू स्वस्थ क्यों है? कि बोले बबुला, चिंता क्या है मुख पर गहरी क्या चिंता है। बोले बबुला, कारण क्या है मुख पर गहरी क्यों चिंता है। समझिए मेरो दिल तो से क्या कहता है। बेटा न कम को समझाए दे मेरो दिल क्या तो से कहता है। कहा पिताजी ने, बेटा अरे कारण क्या है जो तू इतनी चिंता में छाया हुआ है। तो इसने खुले शब्दों से गुरुदेव अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी, शादी होगी तो मेरी उसी लड़की के साथ में होगी कि जो मुझे मंदिर पे मिली थी, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। किसी तालाब नदिया में जाकर के डूब के अपने प्राणों को गवा दूंगा पिताजी। उसी समय पिताजी ने सोचा कि लड़की शायद वही तो नहीं जो वीर भान की पुत्री आया करती है उस मंदिर पे। तो आज धर्माध्वज संकेत पाकर के चले कि धर्माध्वज कन्या घर आए। चंद बदन जियारी है लाड़ो कुआरी है। देखा कि उन्हीं वीर भान की पुत्री जिसका नाम लक्ष्मी है, भक्त बहुत सुंदर लड़की को देखा ना। पिताजी कहने लगे, ठीक है शायद हो यही लड़की जाती है उस मंदिर पे, इसी के साथ में शादी कर लेगा। और पिताजी ने कह दिया कि हे समधी साहब, मैं आपसे कुछ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। सोए वीरभान बोले, अरे मित्र तुम रिश्ता क्या, अरे तुम्हारे लिए सब सर्वस्व कुछ नौछावर है और आप के लिए क्या मने है। उसी समय धर्मध्वज ने कहा कि मेरा बेटा शादी के लिए रूठा हुआ पड़ा है और उसने आपकी लड़की को देख लिया है और लड़की को देख करके कह रहा है कि शादी होगी तो उसी लड़की के साथ में होगी, अन्यथा जीवन कवारे जाएगा। दोस्तों जब ये बात सुनी तो उसी समय वीरभान ने कहा, ठीक है चिंता न करो,
अपने पुत्र से कह दो कि मेरी बेटी के साथ में शादी कर ले जाए। भक्तो आज धर्माध्वज अपने घर के लिए वापस लौट करके आए। जब घर पर लौट कर वापस आए, देखा घर पे कि धर्मवीर बैठा हुआ है और धर्मवीर से कहा, बेटा तुम्हारी शादी तैयार है। भक्तो शादी के लिए धर्मवीर को लेकर के चले। समय पूर्ण होता जा रहा है और इधर लड़की की शादी हुई, भामरे पड़ी। अब ये लड़की अपनी ससुराल के लिए चली बड़े हर्षोल्लास के साथ में। इस प्रकार से जा रही है कि दुल्हिनी बन के चली ससुराल, दुल्हिनी बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के और बोली, जा तो रही है अपने साजन के साथ में। रक्षा बंधन पे वो ही बुलावैया, रक्षा बंधन पे वो ही बुलावैये, तारवेंद्र रात कुसंग में पठाइए, देवाय बे आई रिसाल, दुलहन बन के चलियत दुलार, दुलहन बन के संग में आवे, संग में राम लला कुल आवे, निभावे आई जितेंद्र दुलहन बन के चली ससुराल, दुलहन बन के दोस्तों बड़े प्रेम के साथ में ये अपने पति के साथ में जा रही है। जब जा रही है तो भक्त एक बात बता दूं कि एक दिन ये लड़का उस माँ से कॉल कर रहा था कि माँ मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा, इस लड़की के साथ में मेरा संबंध हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मैं उसी दिन अपने शीश को तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। वही लड़का शादी करके लाता है। भक्त एक बात और बता दूं, आपने देखा होगा विदाई के समय कभी भैया अपने बहन के साथ में नहीं चलता है, लेकिन वो क्या समय था, प्रभु की लीला कि आज वो भैया अपनी बहन के साथ में चला, एक ही भैया रहे उसके। भक्तों जब ये चला आ रहा है तो उसी के पास में आया, जिस वन में वो लड़की तपस्या करने आती थी मैया की पूजा, और ये लड़का भक्तो आकर के तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी, कि माता का मंदिर निराया और धर्म वीर लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कि माता का मंदिर नियराया और धर्म वीर ने शीश झुकाया।
माँ सोचने लगी बारे अब आगे। एक दिन तो तू मुझे शीश झुका रहा था, कह रहा था कि माँ मुझे इस लड़की के साथ में शादी करा दो, मैं तुम्हारे चरणों में शीश को चढ़ा दूंगा। लेकिन भारे धर्मवीर तो शीश को नहीं चढ़ाएगा क्या? सोई भक्तो, माँ ने एक बात और सोची कि शायद इसने अपनी स्त्री का चेहरा न देख पाया हो, ये इसीलिए मुझे शीश नहीं झुका रहा हो, नहीं आ रहा हो। तो उसी समय मैया ने क्या किया, के घट उलझ गया घूमट पलटा और देखा गज गंगनी बैठी। घट उलझ गया घूमट पलटा देखो गज गंगनी बैठी है। दुर्गा माँ के मंदिर वाली ये सुंदर कन्या बैठी। उसी समय क्या हुआ भैया अशोक, जैसे वह लड़की का चेहरा देखा एकदम से घबरा गया। तब तक मैया ने करिश्मा और किया, काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली वन में उन चाक पवन ठहराने लगे। बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली वन में चास पवन ठहराने लगे। भक्तों जैसे ही हाल देखा धर्मवीर ने कि शायद ये वही लड़की है, हे माँ मैंने तो उससे कुछ कॉल किया, सब ध्यान आ गया धर्मवीर को और धर्मवीर वहां से भागा। अरे धर्मवीर मन मीर बढ़ाया, जैसे माँ के मंदिर में आया जिसने वो कॉल किया, वो कॉलों की याद आ गई। धर्म पीर माता से मन को लगा लिया, मानो सच्चे दिल से उसने माता को अपना बना लिया। सच्चे मन से उसने माता से मन को लगा लिया। भक्त माँ के मंदिर में शीश को काट के चढ़ा दिया। कैसी लाचारी पीर की, कैसी लाचारी लला की, कैसी लाचारी। ओ मेरी अम्मे मैया आए पीर की, कैसी लाचारी।
मेरी अम्मे मैया आए वीर की कैसी लाचारी। भाइयों इससे वो समय याद आ गया जिस दिन इस माँ से बचनों को दिया, जैसे माँ ने काले पीले नीले बादल सफेदों को चला दिया, उसी समय ये भागने लगा और भागता हुआ मैया के पास में आया और अपने तेगा से अपने सरों को काट दिया। जैसे ही अपने सरों को काटा भक्तों खून की धारा मच गई। बारी माँ माँ आज मालूम पड़ा कि तो पुत्रों को जन्म देती हो लेकिन पुत्रों को खा भी जाती हो, क्या दशा है। जब देखा है कि काफी समय हुआ, बहन सोच रही है कि अभी तक मंदिर में से नहीं आए लौट करके, इसने अपने भाई को भेजा। तब कन्या ने भाई अरे भेजा, जैसे ही वो भैया भागता हुआ मंदिर के पास में आया और इसने देखा कि हमारे बहनों की लाश पड़ी हुई है, मन में सोचा तब भाई ने अपना क्या उत्पात किया। सोचेगी बहना मन अपने भाई ने प्रीति को मार दिया। सोचेगी बहना मन अपने भाई ने पति को मार दिया। तलवार उठा कर भैया ने अपने सब काट दिया। मुरली के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी के बजैया श्याम कन्हैया लीला न्यारी। भैया ने जाकर के देखा तो अपने शीश को काट दिया। आज वो बहना सोच रही है कि परमात्मा है माँ देवी, मेरे पति गए वो भी तो वापस लौट करके नहीं आए और मैंने अपने भाई को भेजा, मेरा भैया भी वापस नहीं आया, ये क्या हो रहा है। आज वो दुखिया भागती हुई चली आ रही है।
जब मंदिर के पास में आई, जब इसने दोनों लाशों को देखा तो एक बात बताऊं भैया, अरे किनके मर गए दुख उपजत है, किनके मरी भरम है जाए, और किनके मर गए घर भी गरत है, किनके मर देते तो छूट जाए, किनके मर गए घर भी गरत है, किनके मरी देश छूट जाए, कहते हैं कि दुख भैया मर जाए तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। दुख तो संसार में आते जाते हैं, क्योंकि सुबह के पीछे शाम और शाम के पीछे सुबह। पंकज स्टूडियो की नई पेशकश। भाइयों, आज उसी समय लड़की ने देखा मंदिर में खून की धारा बह रही है, तो मैया से रो रो करके बोली, माँ तू सदियों के सत्य को संभालती है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तू सदियों के सत्य को बिगाड़ भी देती है। मैया, मुझे नहीं मालूम था कि तेरी पूजा करूंगी, लेकिन तू मुझे इतनी कष्ट देगी। भाइयों, आज मैया से रो रो करके कह रही है, माँ हमारी एक बात सुन, चीन सिंदूर मेरा लिया है। बोली माँ, चीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ
कुछ भी सोचा बिचारा नहीं के मैं कैसी रहूंगी बिन पति के मैं कैसी रहूंगी बिन पति के गुजारा नहीं सोचा बेचारा नहीं। दोस्तों आज मैया से हाथ जोड़ करके रो रो करके आराधना कर रही है, माँ नहीं मालूम था कि तू मुझे विधवा बना देगी, मैं तेरी तपस्या करते करते माँ सदैव तेरी पूजा की और आज भी मैया पूजा कर रही है कि तू मुझे अपनी गोदी में ले ले माँ। उसी समय लड़की को क्रोध आया, इसने क्या किया गुरुदेव? अरे जन तेगा तुरंत उठाए जमाई और फिर प्रगति है महाताई तबाया पाचाया मंदिर तीर्ण हुई गई लली हमार जो तू रोबे मुख कूदोगे बिटिया सुन लली अरज हमार भक्त। आज मैया की आवाज आई मंदिर से, लड़की शांत हो जा, तू क्या कर रही है? ए जो जो मांग के सोई सोई ती पिटिया सुनिए रिया रजा हमार मत तू प्यार को लहूई मेरी लाड़ो जो मांग के सोई ती कहा दोस्तों आज मंदिर से आवाज आए लड़की ठहर जा, तू क्या कर रही है? अरे तलवार को नीचे डाल। मैया प्रकट हो गई मंदिर में। जब मैया प्रकट हुई गुरुदेव तो ये मैया के चरणों में लिपट गई और बोली, माँ आज मालूम पड़ा कि तू सतियों के सत्य को संभालती है, लेकिन ये भी है कि तू सतियों के सत्य को बिगाड़ती भी है माँ। उसी समय लड़की कहने लगी, माँ मैं कह रहा हूं कि तुमने किया वो अच्छा किया, लेकिन माँ मेरा स्वाग मुझे वापस कर दो, मेरा स्वाग मुझे वापस कर दो। उसी समय माता कहने लगी, पुत्री आपने मेरी तपस्या की, मेरी सेवा की, मैं तुम्हारे स्वाग को नहीं छेड़ सकती हूँ बेटी। तुम ऐसा करो कि अपने पति को और अपने भाई के
शरीर से सरों को जोड़ दो बेटी, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे और तुम्हारे भैया भी जिंदा हो जाएंगे। जब गुरुदेव ये कहा कि तुम्हारे पति और तुम्हारे भैया जिंदा हो जाएंगे, उसी समय लड़की ने जल्दबाजी में क्या किया, तो गुरुदेव जल्दी का काम हमेशा खराब हुआ करता है। ये जल्दी में भागती हुई आई लाशों के पास में, और लाशों के पास में आकर के इसने क्या किया, अरे जान तो नासी सौ आए, अरे जान तो नासी सौ आए, और माता के आदेश से लगाए, माता की आज्ञा से लगाए, भाइयों आज उसी समय माता के आज्ञा से ये सर को जोड़ा है, तो लेकिन ये घटना घटित हो गई। क्या घटना ऐसी घटित हुई गुरुजी, क्या बता के जो पति का सर था वो भैया के शरीर में जाकर के लग गया, और जो भैया का सर था वो पति के शरीर में जाकर के लग गया। जब दोनों की अदला बदली हो गई, सो लड़की पैरों में फिर गिर गई, शरीरों को देखा, भाई का शरीर है वह पति का सर है, और जब पति का सर शरीर है वह भाई का सर है। कहने लगी माँ ये क्या हुआ, माँ कहने लगी अरे पुत्री जल्दी का काम हमेशा के लिए खराब हुआ करता है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की कहने लगी माँ मेरा आगे वंश कैसे चलेगा, तो माँ बोली बेटी वंश की बात कर रही हो तो हमारी बात सुनो, अरे माता ने फिर जगुजारी, और तू सुन ले राज दुलारी, कहा बेटी तू उसकी बात कर रही है कि कैसे मेरा वंश चलेगा, ये आन समय तू आए रहो है सुनो लाड़ोरी, ये आने समय तो आ रहो है सुनो लाडोरी, कहा बेटी आगे आने वाले समय में तुझे वंश प्राप्त करना होगा। कहने लगी माँ कैसे, उसी समय मैया कहने लगी बेटी बल्कि भोग से नहीं योग से ये प्रकट करने पड़ेंगे। तो गुरुदेव संतों ने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर बताया गया कि ये मोर कभी भोग नहीं करता, यहाँ तक कि योग से संपर्क रखता है, और योग से ही पुत्रों की प्राप्ति हुई। भैया इधर मैया रानी की कृपा पूरी हुई, माता के कृपा से और चित चोर हो गए, अगले जन्म में मोरनी बो मोर हो गए, अगले
मैया की कृपा से चित चोर हो गए, चित चोर हो गए, अगले जन्म में मोर नहीं वो मोर हो गए। भगवान के आते रहे अंधेर नहीं है, गुरुदेव जैसे माता रानी की कृपा हुई तो आगे आने वाले समय में मैया की कृपा से ये दानव मोर मोरनी हो गए। जैसे ही दोनों मैया की कृपा से मोर मोरनी हुई तो दोलान का कीर्तन बोले, उसके बाद अपने साथियों का सभी का परिचय समर के नादी रधनिया और व्यापारी बनिया, समर के नादी रधनिया व्यापारी बनिया, तोरा लादी बात मती लाद टूट जाए घर धनिया व्यापारी बनिया, तू कल कहता भोजन कर ले, तू कल कहता भोजन कर ले, दुकनिया व्यापारी बनिया, आए ना मैं दुकनिया व्यापारी बनिया, समर के लादी लधनिया व्यापारी बनिया, चलते समय जरा अपने साथियों का परिचय, ए अशोक कुमार ढोलक पे बैठे ढोलक मधुर बजाई, और पिंटू भ्रात हमारे ने कैच मटा दो खटकाई, राम लला घड़ा पे बैठो मंद मंद मुस्कावे, और मोहन भैया मेरी मौसी को मधुर कान लगावे, चेतन नगला उम्मीद बसी दे पारे, और छोटी सी एक बनी झोपड़ी पाप करत गुजारे, और भाइयों हमारे बड़े भ्राता जी धर्वेंद्र जो हमारे ज्येष्ठ भ्रात, जो कुछ देन है मेरे भैया की देन है, और हमारे पिताजी श्री राम सेवक यादव गांव बैरनी, चाचा सुरेश यादव, और ए जितेंद्र शास्त्री नाम हमारो बैरनी के बस भी पारे,
ए जितेंद्र शास्त्री नाम हमारो बरनी के बसिबे पारे तो याद रखे क्योंकि गांव बरनी उर्फ एनी सिनोरा बोलते हैं जो पत्तापुर के पास में घरण थाने में पड़ता है। ए जितेंद्र शास्त्री नाम हमारो बरनी के बसिबे पारे और टूटी सी एक परी जो पड़ी पाप करी गुजार जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो ये लूट लूट नदी माखन खायो बोलो दाऊ जी के भैया की रे जय बोलो और भैया संपर्क सूत्र 9627219182 9627219182 जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो